यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िये लगातार हमले कर रहे हैं। 26 अगस्त की रात आदमखोर भेड़ियों ने थाना खैरी घाट इलाके में 5 साल के एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया। इस घटना से इलाके में भेड़ियों का खौफ और फैल गया है। पिछले 30-40 दिनों से जिले में भेड़ियों का आतंक जारी है। आदमखोरों ने अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। वन विभाग की कई टीमें गश्त में जुटी हुई हैं। ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। दरअसल बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र में हुई 8 घटनाओं के बाद 9वीं घटना बीती रात थाना खैरी घाट क्षेत्र के दीवानपुरवा से सामने आई। यहां 5 वर्षीय अयांश को आदमखोर भेड़िया उस समय उठा ले गया जब वह अपनी माँ रोली के साथ घर के आंगन में सोया हुआ था। रोली की नींद खुलने पर जब उसने अपने बच्चे को गायब देखा तो चीख पुकार मचाई। परिजनों ने बच्चे को काफी तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला और आज सुबह काफी ढूंढने के बाद बच्चे का शत विशत शव गांव से कुछ दूरी पर पड़ा मिला। छतरपुर के प्रधान के द्वारा जानकारी मिली कि यहां पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। हल्ला हुआ, वन विभाग की टीम आई, फोर्स आई और जितनी भी टीमें लगी हुई थी गश्त में वो सब आई। ड्रोन कैमरा भी आया तब तक यहां पे मौके पर जांच हुई। जब तो पता लगा कि एक हमारे दीवानपुरवा मजरे के सिपाही लाल का पोता सजन का है और उसी की लाश है, पोस्टमार्टम के लिए गई है, अब आगे वैधानिक कार्रवाई। हालांकि जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच पड़ताल कर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा कि आदमखोर भेड़िये ने ही बच्चे को मारा है। इससे पहले भेड़िये 8 लोगों को मार चुके हैं। वहीं बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 वन प्रभाग बहराइच, करतनिया घाट, वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा व बाराबंकी की लगभग 25 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन इस पूरी कवायद का इन आदमखोरों पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा। भेड़िये एक के बाद एक नए शिकार की तलाश में इंसानी बस्ती में हमले की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब तो इन आदमखोरों ने अपना दायरा जिले के अन्य क्षेत्रों तक बढ़ा लिया है। कल तक जिले के हरदी थाना क्षेत्र में हुई 8 घटनाओं के बाद ये 9वीं घटना खैरी घाट थाना क्षेत्र में दिखाई पड़ी। ग्रामीणों के मुताबिक इन आदमखोरों के हमले में आज की घटना मिलाकर 9वीं घटना है। बहराइच के डीएफओ जहां इन भेड़ियों की संख्या कुल 6 बता रहे हैं तो प्रभावित इलाकों के ग्रामीण इनकी संख्या 2 दर्जन बता रहे हैं। बहराइच से रामबरन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।